नमस्कार, पोलका बाय द वुमेन फॉर द वुमेन में मैं हूँ डॉक्टर वंदना। आज का यह वीडियो कुछ डिफरेंट है। अभी तक हम प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर बात करते थे, पर आज इस वीडियो में जानेंगे कि यदि बच्चों को कोरोना हो जाता है तो घर पर रहकर उसका इलाज किस तरह से करें। पर अपनी बात शुरू करने के पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि यह वीडियो केवल उन पेरेंट्स के लिए है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड की सेकेंड वेव आ चुकी है और इसने बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी अफेक्ट किया है। पर सुकून भरी बात यह है कि बच्चों में सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं और ना ही उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर होती है और ना ही उनका मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। बच्चों में मॉर्टेलिटी रेट 1% से भी कम है। आइए अब हम बात करते हैं कि सेकेंड वेव बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक क्यों है। तो सबसे पहला, मॉर्टेलिटी रेट फर्स्ट वेव की तुलना में ज़्यादा है। दूसरा, इसके स्ट्रेन म्यूटेंट करते हैं। तीसरा, हम लोग पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा लापरवाह होते हैं। लास्ट ईयर मार्च अप्रैल मई में जितनी हम सावधानी रखते थे, अब उतनी ज़्यादा सावधानियां हम नहीं रख रहे हैं। जबकि एज अ पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा करें। अब बात करते हैं बच्चों में यह बीमारी कहाँ से आ रही है, क्योंकि बच्चे ना तो स्कूल जाते हैं, ना कॉलेज जाते हैं, ना कोचिंग जाते हैं, ना ही प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं और ना ही अपने दोस्तों से मिलते हैं। तो यह बीमारी हम पेरेंट्स से ट्रांसमिट कर रहे हैं। यह बीमारी हम बाहर से ही घर लेकर जाते हैं, क्योंकि हम पहले से बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं। क्योंकि यदि बच्चों को कोविड हो जाता है तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन भी छोटे बच्चों को नहीं दी जा सकती है, फेविक्लू छोटे बच्चों को नहीं दी जा सकती है, रेमडेसिविर इंजेक्शन छोटे बच्चों को नहीं दिया जा सकता है। अब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेयर रहने की और सावधानी बरतने की। बाहर तो आपको सावधानियां रखनी ही हैं, साथ ही साथ घर पर भी बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी है। जब भी आप बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें और मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। इसके अलावा बच्चों में भी आपको यही सारी हैबिट्स डालनी है। हालांकि बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, पर यदि किसी कारण से बच्चे बाहर निकलते हैं तो उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाएं, साथ ही साथ मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकालें और हैंड हाइजीन के बारे में भी उन्हें बताएं। अब बात करते हैं कोविड के सिम्टम्स की। तो कोविड के जो सिम्टम्स बड़ों में दिखाई देते हैं, वही लक्षण बच्चों में भी दिखाई देते हैं, जैसे कि तेज बुखार आना, गले में दर्द होना, स्मेल और टेस्ट ना आ पाना, बॉडी एक होना, जुकाम और खांसी होना, सांस लेने में तकलीफ होना। और सेकेंड स्ट्रेन में जो हमें एक्स्ट्रा सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वो है दस्त लगना या फिर उल्टी होना। अब बात करते हैं बच्चे को कोरोना हो जाने पर उसे घर पर हमें क्या ट्रीटमेंट देना है। तो मैं फिर से वही बात आपको कहना चाहूँगी कि हमें केवल और केवल एसिम्प्टोमेटिक केसेस में ही घर पर ट्रीटमेंट करना है या फिर माइल्ड केसेस में ही घर पर ट्रीटमेंट करना है। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रहे हैं या कोई डेंजर साइन दिखाई दे रहे हैं तो फिर हमें बच्चों को घर पर ट्रीटमेंट नहीं करना है और तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अब घर पर ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को रेस्ट करें। रेस्ट का मतलब यह नहीं कि आप दिन भर उसे सोने ही दें, आप उसे आराम करने दें, टहलने दें, हल्के फुल्के एक्सरसाइज करवा सकते हैं, योगा करवा सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, उसकी पसंद के कार्टून मूवीज देखने दें ताकि वो इंटरटेनमेंट होता रहे उसका और बोर ना हो। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है छोटे बच्चों को हैंडल करने की। क्योंकि यदि 10 साल 12 साल से छोटा बच्चा है तो उसको क्योंकि आपको आइसोलेट करना है, जैसे ही वो कोविड पॉजिटिव होगा आप उसे आइसोलेट करेंगे और छोटे बच्चे आइसोलेट नहीं हो पाते हैं, उसे पेरेंट्स की ज़रूरत है, उसे मदर की ज़रूरत है, फैमिली की ज़रूरत है। तो छोटे बच्चों को यदि आपको अलग करना ही पड़ रहा है तो कोई मदर या फादर उसके साथ रहे, पर ध्यान रखें कि आप हमेशा मास्क लगा कर रखें, ग्लव्स पहन कर रखें और बच्चे से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते रहें। साफ सफाई का ध्यान रखें, डेली उसको नहलाएं, कपड़े बदलें, डाइट का ध्यान रखें। बहुत ही ज़्यादा उसको ज़्यादा जितना ज़्यादा आप लिक्विड दें उतना ज़्यादा अच्छा है। लिक्विड में आप उसे दूध दे सकते हैं, पानी दें, ऑरेंज पाउडर का घोल दें और नारियल पानी दें, फ्रूट्स जूस सूप, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना है। थोड़ी देर उसे धूप में भी टहलने दें, धूप में बिठाएं ताकि उसे विटामिन डी मिले। खट्टे फल ज़्यादा से ज़्यादा दें, ऐसी चीज़ें जिनमें कि विटामिन सी रहता है, जैसे कि आंवला, संतरे, मौसम्बी, ये चीज़ें उसकी डाइट में इंक्लूड करें। उसकी पोजिशन का भी ध्यान रखें, उसे कम से कम 1 घंटे डेली पेट के बल लेटने दें।
पर ध्यान रखना है कि 1 साल से छोटा बच्चा यदि है तो उसे पेट के बल ना लेटा है, और यदि खाना खाया है तो खाना खाने के भी आधा घंटे बाद तक उसे पेट के बल नहीं लेटाना है। हर 4 से 6 घंटे में बच्चे का टेम्परेचर चेक करते रहें, पल्स ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहें और रेस्पिरेटरी रेट भी आप चेक करते रहें। अब हम बात आती है कि ऐसे कौन से साइन आपको दिखाई दें जब आपको उसको घर पर ट्रीटमेंट नहीं करना है और डॉक्टर के पास जाना है। तो ऐसे साइन है जैसे कि यदि उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर 3 से 4 दिन हो गए हैं और उसका टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका 94 से कम आ रहा है, या फिर बच्चे में यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूरिन हो रहा है, रेगुलर का यूरिन होने लगा है, या फिर यूरिन ही पास नहीं कर पा रहा है, या बच्चा जोर जोर से सांस ले रहा है, या फिर उसकी हार्ट रेट बढ़ गई है। तो इन सब बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये सारे सिम्टम्स आपको वॉच करते रहना है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई से भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करें। और लास्ट में फिर वही बात कहना चाहूंगी कि घर पर आपको ट्रीटमेंट केवल ऐसे बच्चों का करना है जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं, या फिर जिनमें के सिम्टम्स बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। यदि कोई भी डेंजर साइन आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत आप अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड यदि आपकी कोई और भी क्वेरीज हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।